रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में आज रविवार 7 जनवरी को आम चुनाव हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना चौथी बार सत्ता में वापसी की दावेदारी ठोक रही हैं। तो वहीं बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कल शनिवार से 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी और अन्य विपक्षी दल यह कहते हुए चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री शेख हसीना की निष्पक्षता की गारंटी नहीं दे सकते। विपक्ष का दावा है कि मौजूदा सरकार के रहते हुए देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच चुनाव से पहले बांग्लादेश में कई जगह हिंसा भी हुई, जिससे चुनाव प्रचार भी प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में मतदान से पहले हिंसा की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने अधिकारियों से मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलिया में जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या लगता है ये यात्रा कांग्रेस की है या फिर इंडिया गठबंधन की, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने के पहले सीटों का बंटवारा हो गया तो वो भी यात्रा में दिखाई देंगे, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उसके बाद की गारंटी कौन लेगा। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ती हैं तो क्या ये गठबंधन के लिए फायदा होगा, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे, बात भरोसे की है, अगर वह आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। दिल्ली में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बीच केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश कल देर रात वापस ले लिया है। खबरों के मुताबिक आज रविवार 7 जनवरी को इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कल देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का आदेश गलती से जारी किया गया था, आदेश को तत्काल वापस ले लिया गया है। इस पर निर्णय कल सुबह रविवार 7 जनवरी को लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस ने कल शनिवार को एक बैठक की। इस बैठक के दौरान कांग्रेस ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए चुनाव समितियों का गठन किया है। इसी के साथ पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने जिन राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव समितियों का गठन किया है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। बिहार से बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आशंका जताई है कि बिहार में भी ईडी की टीम पर हमला हो सकता है। दरअसल उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद आई है। बता दें कि राशन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी पर पश्चिम बंगाल से हमले की खबर सामने आई थी, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। वहीं अब मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ये दिखाता है कि वे केंद्रीय एजेंसियों को काम करने नहीं देना चाहते। यह पश्चिम बंगाल में हुआ लेकिन यह बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी लालू के परिवार पर कार्रवाई करती हैं, तब यहाँ भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। बिहार में कोई कार्रवाई करने से पहले सीबीआई और ईडी को अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल शनिवार को लड़कियों के चिल्ड्रन होम से 26 लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया था। वहीं अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये सभी लड़कियां सुरक्षित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बालगृह से लापता बालिकाओं को वेरिफिकेशन हो गया है, सभी बेटियां सुरक्षित हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि एक भी दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि शनिवार को यह मामला सामने आया था। भोपाल के परवलिया इलाके में स्थित आंचल चिल्ड्रन होम से लड़कियों के लापता होने के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 215 के तहत परवलिया सड़क पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य सरकार से मामले में संज्ञान लेने
और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की थी। अलास्का एयरलाइंस के एक विमान का एक हिस्सा उड़ान के दौरान अलग हो जाने की घटना के बाद अमेरिकी एयरलाइंस रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 171 विमानों को जांच होने तक उड़ान भरने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस जांच से अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स 9 के 171 विमान प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल अमेरिका में पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जा रही अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट का एक हिस्सा हवा के दबाव में टूटकर विमान से अलग हो गया था। यह घटना स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार शाम को हुई। हालांकि विमान के इमरजेंसी लैंडिंग कर इसे सुरक्षित उतार लिया गया। इसमें 171 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। अलास्का एयरलाइंस ने भी इस घटना के तुरंत बाद अपनी सभी 65 बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों को उड़ान भरने से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। अलास्का एयरलाइंस ने कहा है कि वो अपने ऐसे सभी विमानों की जांच करेगा और उसके बाद ही इन्हें उड़ान भरने की इजाज़त मिलेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चाएं इस समय काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर आपसी बयानबाजी भी जारी है। इसी क्रम में खबर है कि समारोह से पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने असम के बारपेटा में एक सभा को संबोधित करते दौरान कहा कि हमें सतर्क रहना होगा, मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक यात्रा करने से बचना चाहिए। पूरी दुनिया राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति स्थापित होती देखेगी। लाखों लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से यात्रा करेंगे। उस अवधि के दौरान हमें यात्रा करने से बचना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह हमारे जीवन, आस्था, मस्जिदों, इस्लामी कानूनों और हमारे अजान का दुश्मन है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए BJP ने कहा कि वह सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर काम करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि BJP मुसलमानों से नफरत नहीं करती, हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी रहे हैं, उन्हें राम मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है और वे प्रार्थना में भी भाग लेंगे। सिंह ने आगे कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, लेकिन भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। BJP सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने WFI के निलंबन को तत्काल रद्द करने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद भारत के खेल मंत्रालय ने नई चुनी गई WFI बॉडी को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक पैनल को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अब संजय सिंह ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर निलंबन को रद्द करने और भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक पैनल के प्रभाव को अवैध मानने की अपील की है। कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपी और जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने शनिवार को एक विशेष अदालत के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि वह जिंदगी की आस खो चुके हैं और इस स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही मर जाएं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार नम आंखों से 70 वर्षीय गोयल ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कैंसर के अंतिम चरण में है। बता दें कि ED ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पिछले साल 1 सितंबर को गोयल को गिरफ्तार किया था। वे अभी ऑथर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने विशेष न्यायाधीश MG देश पांडे के समक्ष अपनी जमानत अर्जी दायर की थी। उन्हें कल शनिवार को अदालत में पेश किया गया और कार्यवाही के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया, इसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ED द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने पर उन्होंने इसका जवाब दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ED अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है।
इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। महादेव ऐप के घोटाले की जाँच मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए खुद शुरू की थी। मैं चाहता था कि इस पूरे गिरोह का भांडा फोड़ हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस जांच के आधार पर ही ईडी धनशोधन का मामला बनाकर जांच कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जांच को अपराध के बजाय राजनीतिक दबाव व बदनामी का हथियार बना लिया है। इसराइल और हमास में बीते 3 महीनों से जारी युद्ध के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इसराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों के परिजनों द्वारा नेतन्याहू सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इसराइली नागरिकों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ बुशा बुशा के नारे लगाए, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में शर्म होता है। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 22,722 गजावासियों की मौत हो चुकी है, वहीं 58,166 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच खबर है कि लंदन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी समर्थक गजा में सीज फायर की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथों में इसराइल विरोधी पोस्टर्स थे और वे इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लंदन के सेंट जेम्स पार्क में इकट्ठे हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने गई पुलिस पर ही प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।